हेलो फ्रेंड्स, त्योहारों का सीजन आ गया है। अब आ गया है दशहरे का त्योहार। हमारे इंडिया में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, रक्षाबंधन, वैसाखी, दिवाली आदि त्योहार। तो उनमें से दशहरा भी एक प्रमुख त्योहार माना गया है। पूरे भारतवर्ष में दशहरे पर जगह जगह पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, घरों में सफाइयाँ की जाती हैं, मिठाइयाँ, खिलौने आदि लाए जाते हैं और बच्चों को बाहर घूमने के लिए मेलों पर ले जाया जाता है, जगह जगह पर मेले लगते हैं। तो क्या कभी दोस्तों हमने ये सोचा है कि रावण क्यों बुरा था, उसने क्या ऐसा बुरा कर्म किया था? क्या हमने अपने बच्चों को कभी बताया है कि क्या ऐसा उसने बुरा कर्म किया था जिसकी वजह से हर वर्ष उसके पुतले जलाए जाते हैं? तो आइए हम आपको बताएंगे कि रावण क्यों बुरा था। वाकई में बुरा रावण नहीं था, उसने जो बुराई की थी उसकी वजह से वो समाज में बुरा कहलाया। तो उसने क्या ऐसी बुराई की थी? वैसे तो रावण अपने टाइम का बहुत बड़ा ताकतवर, सबसे बड़ा वैज्ञानिक और सबसे अधिक ताकतवर, बुद्धिमान इंसान था, जो कि उसने उस समय क्लोन बनाए थे। आजकल जो वैज्ञानिकों ने क्लोन की खोज की है वो उसने कई सौ साल वर्ष पहले ही खोज कर चुका था, वो क्लोन बना चुका था। जो उसके पुत्र और नाती थे वो क्लोन के रूप में ही थे, जैसे कि कहा जाता है 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ते रावण घर दिया न बाती। मतलब कि उसके घर पर कोई दिया बाती करने वाला भी नहीं बचा था, सिर्फ उसके अहंकार की वजह से। वैसे तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी था लेकिन उसके अहंकार की वजह से उसकी इतने पुत्र और नाती होते हुए भी उसने अहंकार किया और वो हार गया। उसके घर पर कोई दिया बाती करने वाला भी नहीं रहा। तो रावण क्यों बुरा था, क्या उसने ऐसा दुष्कर्म किया था जिसकी वजह से उसको बुरा माना जाता है और हर वर्ष उसके पुतले जलाए जाते हैं? तो उसने सीता माता को चुराया था और वो अपने साथ उसे चुरा कर ले गया था, और उसका अंजाम क्या हुआ, वो श्री राम के द्वारा मारा गया। तो दोस्तों, बुराई का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। आजकल क्या है कि कई जगह पर क्या देखने को मिलता है कि कई जगह पर तो क्या हर जगह पर ही लोग दूसरों की बहुओं को, बेटियों को, बहनों को बुरी नजर से देखते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो ऐसा करने वाले मेरे को जरा ये बताएं कि उनमें और रावण में क्या फर्क रह गया है? आजकल समाज में रावण प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि जो देश की बहनें हैं, बेटियां हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। जो इतनी अधिक रावण प्रवृत्ति हो गई है उससे देश की बहन बेटियां घर से बाहर निकलते हुए झिझकती हैं, उनके पेरेंट्स भी झिझकते हैं कि हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ऐसी रावण प्रवृत्ति हो गई है। तो ऐसी रावण प्रवृत्ति वालों के साथ क्या होना चाहिए, उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, ये समझ से परे है। और दूसरी ओर देखा जाए तो इंसान गलतियों का पुतला है। हर टाइम हम गलतियां करते ही रहते हैं, कोई ना कोई बुराई करते हैं। तो जो हमारे अंदर बुराइयां हैं वो हम बुराइयों को हटाकर एक अच्छे इंसान बने तो दशहरे का महत्व है। इस दशहरे के त्योहार पर हमने क्या करना है कि जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं उनके पुतले जलाएं। मतलब कि हम अपनी बुराइयों को हटाकर एक अच्छे इंसान बनकर दिखाएं। जब हम एक अच्छे इंसान बनेंगे तभी दुनिया में हमारा महत्व है, तभी लोग हमें जानेंगे, हमारी अच्छाइयों से जाने लोग हमें, ना कि हमारी बुराइयों से।
तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, नहीं किया तो जरूर जरूर करें।